नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और गुरुवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 9:26 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज से भागवत सप्ताह शुरू हो रहा है, ये 2 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। आज सूर्योदय से लेकर सुबह 9:26 तक स्थिर योग रहेगा। आज ही पूरा दिन पूरी रात सभी कार्यों में सफलता देने वाला रवि योग भी रहेगा। आज दोपहर 12:37 तक ज्येष्ठा नक्षत्र है, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो कल दोपहर 12:37 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 5 सितंबर की सूर्योदय से शाम 4:39 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 अगस्त की सूर्योदय से शाम 4:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:25 से रात 10:40 तक और रात 12:35 से सुबह 5:57 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 28 अगस्त की दोपहर 12:37 से 1:22 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:25 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 29 अगस्त की दोपहर 1:03 से शाम 4:22 तक और शाम 6:04 से 7:13 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त आज सुबह 7:31 से शुरू होकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 तारीख को सुबह 7:40 से 8:49 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:37 से शाम 4:30 तक और शाम 6:12 से रात 10:40 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 3:15 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:59 से दोपहर बाद 3:35 तक। मुंबई दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:37 तक। लखनऊ दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:19 तक। भोपाल दोपहर 1:56 से 3:32 तक। कोलकाता दोपहर 1:13 से 2:48 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:16 से 3:51 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए और फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज किस्मत आपका साथ देगी, आज सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। भविष्य के लिए कोई योजना बनाने के लिए सोच विचार करेंगे। आज आपका ज़्यादातर समय दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने में निकल जाएगा। इस राशि के बिजनेसमैन आज कुछ बड़े फाइनेंसर से मिल सकते हैं, जिससे जिसका फायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर वाद विवाद हो सकता है, पार्टनर को मनाने के लिए कोई गिफ्ट दे सकते हैं, इससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने का मौका मिलने की संभावना है। आज अपने नज़दीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, हो सकता है सफलता मिल जाए। इस राशि के बेरोजगार बैठे लोगों को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आज नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस में काम की तारीफ हासिल करने का दिन है। संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित होंगे, आज अपनी संतान के करियर को लेकर शिक्षक से बातचीत कर सकते हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, पहले से बनाई हुई योजनाओं के पूरा होने का योग बन रहा है। आज आप रिश्तों के प्रति भावुक रहेंगे, हो सकता है आज कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग भी बन जाए। आपकी संतान की बढ़ती इच्छाओं से परेशान होंगे। इस राशि के आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज ऑफिस में किसी पुरानी गलती के लिए डांट पड़ सकती है, काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। भैरव मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज मेहनत से किए हुए सभी काम पूरे होंगे। बिजनेस के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतें, आपके पार्टनर आपसे किसी जरूरी दस्तावेज पर साइन करवाने आ सकते हैं, बेहतर होगा साइन करने से पहले दस्तावेज को अच्छे से पढ़ लें। आज बिजनेस में जोखिम भरे सौदे करने से बचना चाहोगा। इस राशि के जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं वो आज खरीद सकते हैं। आज का दिन शुभ है, लवमेट अपने पार्टनर को नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में लगा रहेगा। किसी पुरानी कविता के लिए आपको पुरस्कार मिल सकता है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई विदेश में करना चाहते हैं, उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतेंगे तो नुकसान नहीं होगा। आज मेहनत के अनुसार सफलता न मिलने से आप परेशान हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपका खुशनुमा रहेगा। आज बिजनेस के मामले में आपके नज़दीकी दोस्त से समय पर आपको मदद मिल जाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के नवविवाहितों के लिए आज कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, हो सकता है शादी फिक्स भी हो जाए। साथ ही इस राशि के नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकता है जहां से आपको अप एंड डाउन करने में आसानी होगी। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन पढ़ाई में मन लगाने का है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता हासिल करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपको सारे कामों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ और उम्मीदें भी ज़्यादा रहेंगी। आज ऑफिस में काम का टारगेट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होकर आपको कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको नए अवसर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। टीचर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका प्रमोशन हो सकता है। दोस्तों के साथ बाहर के मौसम का लुत्फ उठाएंगे, साथ ही मूवी देखने का प्लान भी बन सकता है। लवमेट्स अपने पार्टनर को टाइम देंगे, जिससे रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। लक्ष्मी माँ के आगे घी का दीपक जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज घरेलू चीज़ों को खरीदने पर आपके पैसे अधिक खर्च हो सकते हैं। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज यात्रा कुछ ज़्यादा होने की वजह से थकान महसूस करेंगे। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5।
धनु राशि वालों आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। आज उत्साह से काम करेंगे तो काम समय से पूरा हो जाएगा। आज आपकी आंतरिक शक्ति दिल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। आज उन लोगों से सावधान रहें जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। आज फर्नीचर खरीदने के लिए दिन शुभ है। आज किसी अनजान पर भरोसा न करें, बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। पुरानी जायदाद के क्रय विक्रय के कार्यों में लाभ होगा। आज संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर बॉस से नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आज ज्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ सकता है। बेहतर होगा आज गुस्सा करने से बचें। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। छोटे भाई से किसी बात पर तनाव हो सकता है। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए ये समय जी जान लगाकर पढ़ने का है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आज जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा शुभ फलदायक होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑफ व्हाइट और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। आज आपके जीवन साथी के बीच थोड़ी अनबन हो सकती है। आज बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम की शुरुआत करें, सफलता मिलनी तय है। आज ऑफिस में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक गलत कदम आपको परेशानी में डाल सकता है। इस राशि वाले छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा मायूसी भरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। करियर के मामले में आप अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेंगे जिससे आपका तनाव बढ़ सकता है। आज किसी खास मामले में आपकी सोच बदल सकती है। खर्च बढ़ सकता है, सोच समझकर खरीदारी करें। इस राशि के थिएटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के नए रास्ते बनेंगे। किसी पुराने काम में कामयाबी मिलने से के बाद लोग आपको तारीफ से सराबोर कर देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पीला वस्त्र गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा। मूलांक 2, कुछ नया करने का मौका मिलेगा, साथ ही आप कुछ नई चीजें सीखेंगे। मूलांक 3, घर के लिए इंटीरियर का कुछ सामान खरीदना चाह रहे हैं तो आज खरीद सकते हैं। मूलांक 4, आज का दिन बेहतरीन रहेगा। समझदारी से मनचाही सफलता पाने में सफल होंगे। मूलांक 5, जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे जिससे आप लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक 6, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। करियर में कोई बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। मूलांक 7, हर तरफ से आपकी जीत के योग बन रहे हैं, साथ ही आपके काम पूरे होंगे। मूलांक 8, आज पेंडिंग पड़ा हुआ कोई काम पूरा होगा जिससे आपको राहत मिलेगी। मूलांक 9, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे आपकी परिस्थितियों में भी सुधार आएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में कैंडल्स लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाना अच्छा होता है। आग्नेय कोण का संबंध काष्ठ तत्व से है और काष्ठ तत्व का संबंध हरे रंग से है, अतः आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगानी चाहिए। इस दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाने से आपके बिजनेस का विकास होता है, खास करके आपकी बड़ी बेटी को अपने करियर में ऊंचाइयां छूने को मिलती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि 9वीं और गुरुवार का दिन है। 9वीं तिथि आज सुबह 9:26 तक रहेगी, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज से भागवत सप्ताह शुरू हो रहा है, ये 2 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। इस दौरान भागवत गीता का पाठ करने का विधान है। मन की शुद्धि के लिए भी श्रीमद् भागवत का पाठ करना उत्तम माना जाता है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के पाठ से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, ऐसी एक उक्ति है।
सर्व पापान विनश्यति। भागवत श्रवण मात्रेण, भागवत को सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज सुबह 9:26 तक स्थिर योग रहेगा। देखो यहाँ भागवत सप्ताह की एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि पितृ पक्ष के ठीक पहले होता और इसका संबंध जिस दिन समाप्ति है उसी दिन महालया की शुरुआत है, तो इसका पितरों से भी बड़ा गंभीर संबंध है। यदि आप भागवत सुनते हैं या पढ़ते हैं, पढ़ ही लीजिए, आजकल तो हर एक के घर में अवेलेबल है, खुद ही पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, कुछ पढ़िए, इसका पितरों से बड़ा गंभीर संबंध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सुबह 9:26 तक स्थिर योग, स्थिर योग के दौरान किसी भी तरह का कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने वाला रवियोग भी रहेगा। योगों में रवियोग बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस योग के दौरान कोई भी काम शुरू करने से उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसके साथ ही आज दोपहर 12:37 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो कल दोपहर 12:37 तक रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9-9 की संख्याओं में बटे, श्रृंखलाओं में बटे। इनमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी से होती और दूसरी की शुरुआत ज्येष्ठा से और दूसरी का अंत ज्येष्ठा पर होता है। आकाश मंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है, 9 × 18 जिसका अर्थ होता है बड़ा। अब ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। देखो अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों 9वें नक्षत्र हैं और इनके जस्ट पहले बुध के नक्षत्र आते हैं। तो ये 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा, ये इसके अगले दिन मूल आएगा। तो ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं, लिहाजा ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। जो लोग प्रभुत्व चाहते हैं वो भी ताबीज पहनते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध है, ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चील है और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को चील के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही चील के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आज माता दुर्गा और बुध के उपाय करना भी शुभ फलदायक रहेगा। तो ये थी चर्चा स्थिर योग, रवियोग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। और अब चर्चा करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपनी बहन के साथ रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं तो आज के दिन तोते को हरी मिर्च खिलाएं। अगर तोता न मिले तो उसकी तस्वीर को देखकर प्रणाम करें। बहन के साथ आपके रिश्ते में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं और सफलता से कुछ ही कदम पहले आप असफल हो जाते हैं तो आज मिट्टी के बर्तन में साबुत मूंग की दाल भरकर उस पर ढक्कन लगाकर मंदिर में दान कर दें। आज ऐसा करने से आपके सारे काम बनेंगे और सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति कुछ कमज़ोर पड़ गई है, कोई भी फैसला लेने में आपको बहुत वक्त लगता है और आपका ध्यान भी बार बार भटक जाता है तो आज स्नान करके माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और 1.25 किलो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर देवी के चरणों में अर्पित कर दें। आज ऐसा करने से आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और सही समय पर सही फैसला लेने में भी आप समर्थ होंगे। अगर आप दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और उसमें मिठास भर देना चाहते हैं तो आज के दिन किसी पेड़ से 7 हरी पत्तियां लाकर उन पर थोड़ी साबुत मूंग की दाल रखकर अपने दोस्त को दे दें। आज ऐसा करने से आपकी दोस्ती मजबूत होगी। आज अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको चीड़ के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस बात का ध्यान कि आज के दिन चील के पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचे, उसकी लकड़ी से बने फर्नीचर आदि का भी इस्तेमाल करने से बचें। जिनका जन्म ज्येष्ठा में हुआ है उनको तो चील के पेड़ का फर्नीचर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप चील के पेड़ की फोटो देखकर उसको प्रणाम कर लें। वैसे फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर चील यानी पाइन ट्री की फोटो दिखा रहे हैं, आप इसी वक्त हाथ जोड़कर पेड़ को
देखते हुए प्रणाम कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। अगर आप घर में अन्न धन का आगमन बनाए रखना चाहते हैं तो आज 11 सफ़ेद कौड़ियों को मंदिर में रखकर उनकी पूजा करें। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन का आगमन बना रहेगा। कौड़ियों के बहुत प्रयोग हैं और अलग अलग अवसरों पर कौड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी संतान को बिजनेस में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज उन्हें सिद्ध किया हुआ बुद्धियंत्र पहनना चाहिए। आज ऐसा करने से आपकी संतान के बिजनेस में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी। अगर जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर हमेशा खींचतान बनी रहती है, ये भी समस्या है, तो आज किसी छोटी बच्ची को हरे रंग का कपड़ा गिफ्ट करें, साथ ही उसका आशीर्वाद भी लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको खींचतान की स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा है तो आज मिट्टी का एक खाली घर लीजिए और ध्यान रखें उसके ऊपर ढक्कन भी लगा होना चाहिए। अब इस खाली मिट्टी के घड़े को किसी मंदिर में दान कर दें, संभव हो तो आज चील के पेड़ के दर्शन भी करें। आज ऐसा करने से आपको जल्द ही मनमाना जीवन साथी मिलेगा जैसा मनचाहा। अगर आप आज किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, उदाहरण के लिए आपने बच्चों के स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या अन्य किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो आज के दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले फिटकरी से अपने दांत साफ करें, एलम फिटकरी। साथ ही नहाने के बाद किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे गिफ्ट के रूप में फूल दें या कुछ सिक्का दे दीजिए या रुपया दे दीजिए। आज ऐसा करने से आपको सभी कामों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आज के दिन स्टेशनरी का काम करने वाले व्यक्ति को आदरपूर्वक कुछ गिफ्ट करें। आज ऐसा करने से आप अपनी बातों के से दूसरों को इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है फिर भी आप अपने खर्चे को लेकर परेशान हैं और खर्चों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज एक बांस का टुकड़ा लेकर आइए और उसे घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में खड़ा कर दीजिए। आज बाद में आप उसे अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। ऐसा करने से दिन ब दिन बढ़ते खर्चों से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज स्त्री योग, रवि योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे और आपको आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके प्राप्त होंगे। B, दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अपने करीबी से मुलाकात हो सकती है। C, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनसे आज आपको छुटकारा मिलेगा। D, परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। E, प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। F, स्वास्थ्य के प्रति आज का दिन अच्छा रहेगा, पहले से ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। G, आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, ये खुशखबरी आपके करियर से रिलेटेड होगी। H, आपको कारोबार में धन लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। I, जो भी नए कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। J, बिजनेस में तरक्की होगी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा। K, कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ साथ आपको बेहतरीन सफलता भी मिलेगी। L, धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे, आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। M, भारत परिवार में सभी लोग बहुत खुश रहेंगे और सभी लोग डिनर एक साथ करेंगे। N, आपको आज ढेर सारी खुशियां मिलेंगी जिससे आपका मन पूरे दिन खुश बना रहेगा। O, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा। P, नए कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा, लंबे समय से रुके हुए कार्य जल्द ही पूरे होंगे। Q, पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता आएगी, एक दूसरे के प्रति तालमेल बना रहेगा। R, जो छात्र मेडिकल के क्षेत्र में हैं उनको आज कोई सफलता हासिल होगी।
एस नौकरी और व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, आपको आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलेंगे। टी आपके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा, सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। यू आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, वेतन में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। वी आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। डब्ल्यू वकीलों के लिए आज का दिन बेहतर है, आपको किसी केस में जीत हासिल होने वाली है। एक्स दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा, जिससे आपके बीच करीबियां नजदीकियां और बढ़ेंगी। वाई आपके करियर में जो बाधाएं आ रही हैं उनसे आपको आज अवश्य अवश्य छुटकारा मिल जाएगा। जेड आज पुरानी परेशानियों से राहत महसूस होगी, आप काफी स्वस्थ भी महसूस करेंगे, हेल्थ भी ठीक रहेगा, मेंटल फिजिकल सब तरीके से अच्छा रहेगा। और अब बात करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पुणे के चिंतामणि गणपति मंदिर के दर्शन। भगवान गणेश का ये चिंतामणि स्वरूप पुणे के थेऊर नामक गांव में विराजमान है। चिंतामणि गणपति को सभी चिंताएं और दुख हरने वाला कहा जाता है, नाम ही चिंतामणि है। मंदिर के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली के अनुसार प्राचीन काल में इस स्थान पर भगवान गणेश ने कपिल ऋषि से चिंतामणि स्वीकार की थी। दूसरी कथा के अनुसार यहाँ कपिल मुनि पर एक क्रूर राजा ने चिंतामणि हथियाने के लिए आक्रमण किया था और भगवान गणेश ने उनकी रक्षा की थी। इस मंदिर में भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर है, मूर्ति पूर्वाभिमुख है और आंखों में सुंदर हीरे जड़े हैं। मान्यता है कि यहाँ आने पर भगवान गणेश सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाते हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात अवार्ड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 अगस्त को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौमी तिथि आज सुबह 9:26 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:39 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो पानी के स्रोत के पास उगती है, अतः आज सुबह 9:26 तक आपको लौकी का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल सुबह 8:39 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय या फ़ोन पर किसी से बात करते समय, देखिए हमारी आपकी मुलाकात तो 8:30 होगी, 7:30 होगी, आप मॉर्निंग वॉक में उसके पहले ही जा सकते हैं। या ऑनलाइन को पूरे दिन भी, सुबह ही को पूरे दिन ऑनलाइन कुछ खरीदते समय या कोई एग्रीमेंट करते समय आपका मुँह किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। आपको घर में परिवार में पूरा यश मिले, भरपूर सम्मान मिले, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विश्व विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञा प्रति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में सफेद कागज रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।